गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का नाम इस वक्त हर जगह चर्चा में है, खासकर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से विश्नोई गैंग की चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी हो रही है। विश्नोई गैंग का नाम सलमान खान को दी गई धमकियों के कारण पहले से ही सुर्खियों में बना हुआ था, लेकिन अब खबर आ गई है कि विश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में केवल सलमान खान ही नहीं बल्कि मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम भी शामिल है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में मुनव्वर फारूकी पर हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वे बच गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में मुनव्वर फारूकी दिल्ली में एक इवेंट के लिए गए थे। इसी दौरान विश्नोई गैंग ने दो शूटर उनके पीछे लगाए हुए थे। मुनव्वर ने मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट ली थी जिसमें वही शूटर भी सवार थे। दोनों शूटर दिल्ली के सूर्या होटल में रुके थे जहाँ मुनव्वर भी ठहरे हुए थे। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिल गई थी और समय रहते होटल पर छापा मार कर शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस पहले से ही उन शूटरों की तलाश कर रही है क्योंकि वे दिल्ली के एक बिजनेसमैन की हत्या कर फरार चल रहे थे। जब पुलिस ने उनकी लोकेशन ट्रेस की तो होटल पर रेड मार कर उन्हें पकड़ लिया गया। इस घटना से साफ हो गया है कि मुनव्वर फारूकी की जान खतरे में है। इस पूरे मामले के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी अपने शोज में हिंदू धर्म से संबंधित चुटकुले करते हैं, जिसको लेकर पहले मुनव्वर मध्य प्रदेश में जेल भी जा चुके हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि मुनव्वर की धर्म संबंधित कॉमेडियां विश्नोई गैंग को नाराज कर सकती है। इससे पहले भी मुनव्वर को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है और अब जब विश्नोई गैंग के गुंडे उसी होटल में मिले जहां मुनव्वर रुके थे तो पुलिस ने दोनों के मामले के बीच की कड़ी जोड़ ली है। सलमान खान के साथ मुनव्वर फारूकी का नाम भी विश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में होने का यह मामला सामने आया है और पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने मुनव्वर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना।